जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद पर टीवी में आरएन जायसवाल भी सादा स्वागत करता हूं। आज सबसे बड़ी तस्वीरें जो आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं मध्य प्रदेश अधीनस्थ, जैसा कि आपने पूर्व में ही इस वीडियो का अगर मेरे चैनल में आपने वीडियो देखी रही होगी कि जिस तरीके से बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में जितने भी आर डिपार्टमेंट में आउटसोर्स कर्मचारी है सभी ने 13 सितंबर 2022 के दिन में चिनार पार्क भोपाल में इन्होंने अपने जायज मांगों को लेकर के आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली थी, जिसके लिए इन्होंने बराबर जानकारी भी दी थी पत्राचार के माध्यम से और लिखित तौर पर भी इन्होंने शासन को अवगत करवाया था। लेकिन जिस तरीके से अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई और नहीं है, एक घंटे पहले की है। जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारी ने वादा किया था अपने आंदोलन को लेकर के, जैसे कि अफगोश भी करवाया था, जो कि उनकी जायज मांगे थी। आखिर जब संविधान एक है, देश एक है, तो आखिर कहीं ना कहीं दोहरा नीतियां क्यों अपनाई जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने बात की थी कि हमें 7 वर्षों से लगातार शोषण किया जा रहा है, हमारा शोषण यूपी अपर शासियों को लेकर वेतन का जो बढ़ोतरी होना चाहिए बढ़ोतरी भी नहीं की जा रही है, इतनी महंगाई के तौर पर 5 से 10 हज़ार के बीच में सैलरी दी जा रही है, लेकिन इस पर प्रशासन और शासन किसी भी तरह से कोई भी कभी भी ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया, जिसके लिए ध्यान आकर्षण के लिए इन्होंने अपनी जायज मांग को लेकर चिनार पार्क भोपाल में इन्होंने आंदोलन करने के लिए भी इन्होंने एकत्रित हुए। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भोपाल चिनार पार्क की है और ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा संविधान के लिए कहीं ना कहीं से एक शर्मनाक तस्वीरें या शर्मनाक दिन देखने को मिल सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों को भर भर के अस्थायी जेल में डाला जा रहा है, हज़ारों की संख्या से ज़्यादा की संख्या में लगभग आउटसोर्स कर्मचारियों को अस्थायी जेल के लिए भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की कहीं ना कहीं से पोल उखड़ती नजर आ रही है, लेकिन इस पर किसी भी तरह से कोई सामाजिक संगठन और ना ही कहीं ना कहीं से जो देश हित में कार्य करने वाले मीडिया कर्मी कहीं ना कहीं सामने नजर नहीं आ रहे हैं। लगभग सभी जितने भी नेशनल मीडिया है सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हाई योग निवेदन करना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मध्य प्रदेश अधीनस्थ अपने अधिकारों के लिए कोई आवाज उठाना अगर चाहता है तो उसको कहीं कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है 144 जैसे धाराओं को प्रयोग करके और कहीं ना कहीं से इन लोगों की लोकतंत्र की हत्याओं को कहीं ना कहीं प्रयोग करते हुए आखिर ये कहाँ किस तरह तस्वीरें ये दिखाना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। अगर तस्वीरें अगर आपको भी बुरा लगती है, अगर आपके भी अधिकार का हनन हो रहा है, अगर आपको थोड़ा महसूस हो रहा है कि जो बिजली आउटसोर्स कर्मचारी पूरे विभाग के जिम्मेदारी संभाल के रखे हैं, आखिर वही नियमित कर्मचारी की अपेक्षा केवल 10% में अगर वेतन में काम कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा कहीं कार्य कर रहे हैं, तो आखिर इनकी आखिर जायज मांगे आखिर पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर इन जायज मांगों को लेकर अगर आंदोलन करना चाह रहे हैं तो आखिर इन लोगों को आखिर अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और आपसे भी दूजी साथी से पूछना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी जवानी थोड़ा भी लड़खड़ा जाए, क्योंकि जो लड़खड़ाने का जो एक जो मेरी समस्या रही है, जो लड़खड़ाने का एक रीजन रहा है, तो इसका ये रीजन रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश शासन काल रहे हैं, भाजपा के शासन काल रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा शर्मनाक दिन और शर्मनाक जैसे तस्वीरें ये शिवराज सरकार द्वारा दिखाया जा रहा है। इस पर हमें और आपको आवाज बनना होगा, इन साथियों का आवाज बनना होगा। आखिर जिन साथियों के बलबूते पूरे विभाग चलता है, जिन साथियों के बलबूते आप और हम कहीं ना कहीं से सुकून महसूस करते हैं, आखिर इन लोगों के साथ में आखिर इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है, ये कहीं ना कहीं से आप ये बहुत बड़ा ये आज सबको सवाल उठाना होगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करना होगा, जिससे शासन को कहीं ना कहीं शासन के कानों तक पहुंच सके और शासन के आभास हो सके कि पूरा देश पूरा प्रदेश एक साथ में है और ये जितने साथी आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं से अपने जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इनके साथ में हम सब खड़े हैं और मजबूत के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके। जिस तरीके से बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के रीवा के जो पदाधिकारी हैं, जहाँ पर ये प्रदेश सचिव की बात हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, जितने भी कार्यकर्ता के रूप में कर्मचारी के जितने भी वहाँ पर अपने आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनसे हमारी बात हुई, जिस तरीके से बताए कि यहाँ जबरदस्ती लाठी चार्ज करके जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है, भर भर के डाला जा रहा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं से और इसके साथ में संयुक्त मोर्चा के साथ में जितने भी प्रदेश जितने भी संगठन थे सभी को भर भर के डाला जा रहा है, जितने भी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी थे सबको भर भर के डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं से ये अपने हक की लड़ाई के लिए आखिर ये कौन से नियम और कौन से संविधान के तहत आखिर ये अधिकार नहीं मिलता है कि अपने अधिकार के लिए ये आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं से सबसे काला दिन मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे ये मोदीवादी जो नीति है और कहीं ना कहीं से जो प्रदेश की जो भाजपा सरकार जैसी जो ये नीति अपनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं से भाजपा शर्मनाक के लिए कहीं ना कहीं से बहुत बुरा दिन हो सकता है और ये में बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं से ये जिसमें से ये आप ये दे सकते हैं जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आखिर उनका क्या कहना है। सभी आउटसोर्स कर्मचारी जिनको 5 वर्ष तथा 8 वर्ष पूरे हो चुके थे, उन लोगों की सैलरी जो आज की तारीख में
कहीं एक बड़ा घेराव यहाँ पे विधानसभा का है, तो सरकार में बैठा प्रशासन पुलिस के डंडों को आगे करके कर रहे जो साथी हैं बिजली विभाग के साथ साथ में जितने भी आउटपुट कर्मचारी हैं, आखिर उनकी भी थोड़ा बात सुन लीजिए। बंद करो। एका कल्चर समाप्त करो। आउटसोर्स कर्मचारी निमित्तीकरण करो। अभी तो लड़ाई है, अभी और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके बाद आप आखिर इसके बाद अगर आपका अगर थोड़ा बहुत अगर दिल में दर्द उठता हो, अगर थोड़ा बहुत दिल में दर्द है और दया अगर आ रही हो, इस वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ये तस्वीर पूरे दिन की कवर करेंगे। हो सकता है कोई चैनल वाले अगर कवर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि ऐसी तस्वीरों का मेरा कवर करना और इसी तस्वीरों को आप सबके समक्ष साझा करना, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। किसी भी बिना कोई स्वार्थ के और निस्वार्थ भाव से मैं लगातार ये आवाज़ बनता रहूँगा। और अगली तस्वीरें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। इसी के साथ देख रहे हैं बीजपेट टीवी, मैं अरुण जसवाल। जय हिंद।